जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों में फागुन की मस्ती अब सिर चढ़कर बोलने लगी है। इसी कड़ी में चूरू के सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में व्यापार मंडल की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व खनिज मंत्री राजकुमार रिणवा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सीकर CMHO डॉक्टर अजय चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री रिणवा ने कहा कि होली जैसे पवित्र त्योहार में हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इसे संजोकर आने वाली पीढ़ियों को ये विरासत सौंपना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के लोक कलाकार और स्थानीय लोग चंग की थाप पर झूमते हुए नजर आए। रहस्य भरा पड़ा है। आज जो हम टेंशन का जीवन जी रहे हैं, ये संस्कृति इसीलिए हमारे यहाँ बनाई हुई है कि हम कैसे अपने जीवन को नॉर्मल कर सके, कैसे आनंद की तरफ ले जा सके। ये बहुत बड़ी बात है और हम देख रहे हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे काफ़ी दूरियाँ बना रही है। तो हम लोग तो खुद इसमें चल रहे हैं कि किसी भी तरह से लोग जुड़े और इसका मतलब समझे कि इसमें कितना आनंद भरा हुआ है। तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करने के लिए हम तो खुद भी जो भी हमें जैसा भी आता करता हम तो एक दो कड़ी सुना देते हैं जहाँ भी जाते हैं और हमें लग रहा है कि वो उससे लोगों में प्रोत्साहन बढ़ता करता है और बहुत अच्छा लगता है। की धरा यहाँ कन्हैयालाल सेठिया की माटी है ये और यहाँ पे जो सांस्कृतिक विरासत हमें मिली है उसको आगे बढ़ाने का काम जो खाद्य किराना व्यापार मंडल ने किया है वो वास्तव में अनुकरणीय है। आज खास तौर से रिणवा साहब भी यहाँ पे आए और जिस भांति एक रसरंग का माहौल फागुन के इसमें बना है, देखिए नेक्स्ट जनरेशन को जिस भांति यहाँ पे जैसा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और खास तौर से लोग आए हैं और युवा शक्ति तो खास तौर से इस प्रकार के कार्यक्रमों में रुचि लेने लगी है, तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य बड़ा सुरक्षित है।